आज हम आपको एक बड़ा ही अचंभित कर देने वाला किस्सा सुनाने जा रहे हैं। दरअसल हम आपको बताने जा रहे हैं मुंबई में हुए एक किस्से के बारे में। ये किस्सा है मुंबई के कांदिवली स्टेशन के पास का, जहां पर एक MBA कपल सड़क पर पोहा, इडली, पराठा और उपमा जैसे व्यंजन बेच रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कपल जब MBA किया हुआ है तो ये सड़क पर पोहा, इडली और पराठा और उपमा जैसी चीज़ें कैसे बेच रहे हैं। ये सुबह 4 बजे से 10 बजे तक वहाँ ठेला लगाते हैं और ये सारी चीज़ें बेचते हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि वो सुबह 4 बजे से 10 बजे तक ठेला क्यों लगा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि उनके घर पर काम करने वाली 55 वर्षीय महिला का रसोईया पति लकवाग्रस्त हो गया है, जिसकी मदद के लिए वो उसका बनाया हुआ खाना बेच रहे हैं। तो ये अपने आप में एक मानवता की मिसाल को कायम करना हुआ जो ये दंपत्ति कायम कर रहे हैं। उन्होंने अपने यहाँ काम करने वाली बाई के पति, जो कि लकवाग्रस्त हो चुका है और वो रसोईया है, पेशे से उसका रसोइये का काम है और वो चीज़ें बनाता है, तो अपने यहाँ काम करने वाली बाई की मदद करने के लिए MBA पढ़े लिखे इस दंपत्ति ने कांदिवली स्टेशन के पास ठेला लगाने में भी ज़रा भी गुरेज नहीं की और मदद के लिए आगे आए। तो आप भी देख सकते हैं कि किस तरह से इन दोनों पति पत्नी ने पोहा, इडली और पराठा और उपमा जैसे व्यंजन का ठेला लगाया है और ये यहाँ अपने यहाँ काम करने वाली बाई की मदद कर रहे हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।